इस क्वेश्चन को सब रीड कर लें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। लेट मी शेयर द क्वेश्चन लिंक एज वेल। अब्दुल्ला, कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं कल वाले? मैम इस क्वेश्चन का लिंक चैट बॉक्स में सेंड करते हैं। आई थिंक अब्दुल्ला कल वाले मैम मीना वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 417 जो था वो स्पेसिफिक अटलांटिक ओशन में लगे थे। वो आई गेस वो डिस्कस हो गया था, बाकी इसको इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटेशन है जो वांट जी। अच्छा सही जी, तो वो आप खुद भी इसको सॉल्यूशन को बेटर है कि आप उसको कोड पुट करें, अदरवाइज इफ यू वांट आई कैन शो द कोड एज वेल, बट इट्स बेटर कि आप उसको पहले खुद ट्राई करें। इफ यू फील आपसे वो नहीं होगा तो फिर ये रीड कर लिया क्वेश्चन सबने? मैम 2 मिनट दीजिएगा।
जी मैम, क्वेश्चन रीड कर लिए। एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, या किसी को समझ ना आई हो? अगर कोई वॉलंटियर कर रहा है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। मुझे तो क्लियर नहीं हुआ। ओके मैं ट्राई करता हूँ। मुझे अगर मैं कहीं पे गलत होता तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो मेनली हमें एक ग्रिड गिवन है, ग्रिड एम क्रॉस एन, मतलब रो और कॉलम डिफरेंट भी हो सकते हैं, और साथ तीन इंटीजर गिवन है, रो कॉलम और कलर। रो और कॉलम जो है ना, वो एक स्पेसिफिक ग्रिड का ना कोई हमारे पास ब्लॉक बता रहा होगा, और हमने करना है उसके साथ जितने भी एडजेसेंट सेल्स होंगे ना, टू स्क्वेयर्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन एनी ऑफ फोर डायरेक्शन, मतलब किसी चारों डायरेक्शन में देखना है, किसी भी डायरेक्शन में अगर वो एडजेसेंट है, ठीक है, तो देन इट मीन्स वो नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर तो देन एडजेसेंट है। Then two square belong to the same connected component. एक ही component तब consider होगा अगर उनका color same होगा, ठीक है, और साथ ही adjacent भी होगी। Adjacent की definition उसने पहले ऊपर बता दी है, और साथ उसने के color भी same होना चाहिए। Then the border of a connected component is all the squares in the connected component that are either adjacent to at least a square not in the component. Mainly इसको ना मैं example के through ना ये वाला दोनों lines को clear करता हूँ। अगर हम एग्जाम्पल नंबर वन को देखें तो हमारे पास ये ग्रिड किस तरह बन रही है, वन, फिर यहाँ पे भी वन है, हमारे पास यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे टू है, ठीक है, ये हमारे पास ना ग्रिड इस तरह करके बन रही है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो रो और कॉलम है ना वो जीरो जीरो है, विच बी रो और कॉलम जीरो जीरो से मतलब ये है वो ये वाला कंपोनेंट है। अब हमने इसके जो है ना लाइन नंबर वन के अकॉर्डिंग पहले तो एडजेसेंट निकालने हैं कौन से हैं, ठीक है, इफ दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन एनी ऑफ फोर डायरेक्शन। एडजेसेंट तो ठीक है, ये हमारे पास एक ये आ रहा है और एक नीचे ये आ रहा है। सेकेंडली कनेक्टेड कंपोनेंट है कि नहीं है, कनेक्टेड का मतलब ये है कि उनका कलर सेम होना चाहिए, तो इस ब्लॉक का जो कलर है वो वन है, और उसके साइड पे जो ब्लॉक है वो भी वन है, और नीचे भी ब्लॉक वन है, इट मीन्स ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट भी है, ठीक है, इतना जो पोर्शन है ना ये हमारे पास एक कनेक्टेड कंपोनेंट भी है। अब वो कह रहा है कि आपने उसको किस तरह करना है, कलर कर देना है, यू शुड कलर द बॉर्डर ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट दैट कंटेन्स द स्क्वायर ग्रिड रो कॉलम विद कलर, मतलब आपने क्या करना है उसको कलर के थ्रू ना चेंज कर देना है, विच मीन्स हमारे पास पहले तो यहाँ पे वन था, लेकिन जब हमारे पास उसको कलर से हम चेंज करेंगे ना तो ये लेटेस्ट क्या बन जाएगा, लेटेस्ट हमारे पास थ्री थ्री और यहाँ में भी थ्री और ये टू आ जाए, कि वो वाला जो हमारे पास बॉर्डर एक कंपोनेंट बन रहा था ना वो हमारे पास कलर हो गया विद द गिवन कलर और हमने उसको चेंज कर दिया। ये एग्जांपल क्लियर है, एग्जांपल नंबर वन जोन से है। जी सर। ओके अगर हम एग्जांपल नंबर टू को देखें तो एग्जांपल नंबर टू की जो ग्रिड बन रही है वो किस तरह बन रही है, वन टू टू और साथ टू थ्री और टू। अब इसमें आप मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है, तो पहले तो वो कह रहा है कि रो और कॉलम कौन सा है, रो जीरो और कॉलम वन, इसमें से कौन सा ब्लॉक बनेगा रो जीरो और कॉलम वन का। मतलब रो जीरो और कॉलम मेनली ये बॉक्स बन रहा है, ठीक है। अब पहले तो इसके फाइंड आउट करें कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब फोर डायरेक्शनली देखेंगे तो एक ये है, इस तरफ देखेंगे तो एक ये है, नीचे की तरफ देखेंगे तो एक ये है, लेकिन अगर ये एडजेसेंट तो ठीक है कि मतलब वो नेक्स्ट टू ईच अदर अगर चेक किए तो वो एडजेसेंट निकल है, लेकिन क्या वो सेम कंपोनेंट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते वो देखना पहले। आप साथ साथ देखा तो इस तरफ देखा तो ये तो नहीं कंपोनेंट इसका है भी, क्योंकि वो टू है और ये वन है, नीचे की तरफ देखा तो वो भी इसका कंपोनेंट नहीं है, बट जब ऑन द राइट साइड देखा ना ये भी एक इसका कंपोनेंट है। अब इसके जोन से ना हमने कंजेक्टिव कंपोनेंट तब तक देना जब तक कंप्लीट एक नहीं मिल जाता, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे है और ऑन द लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी वो कंपोनेंट बनती आ रहा है, राइट साइड पे भी कुछ नहीं है, अपर साइड पे कुछ नहीं है,
तो विच मीन्स नीचे अब जब हम कनेक्टेड देखेंगे तो वो इसके साथ मैच करता है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कंपोनेंट है, ठीक है ये वाला। तो हम इन्हें इसको अगेन कलर के साथ जब चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएगी 1, 3, 3, 2, 3 और 3 बन जाएगी, ठीक है क्लियर है जी, क्लियर। और सेम एज इट इज हमारे पास ये थर्ड वन भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ग्रिड 3x3 किया। अगर हम इसको सोल्व करें तो 1, 1, 1 है सारे के सारे, मतलब 3x3 के ग्रिड है सारे के सारे 1 है, और वो कौन सा दे रहा है, रो 1 और कॉलम 1, विच मीन ये सेंटर वाला जो ब्लॉक है ना वो दे रहा है हमें रो भी 1 कॉलम भी 1। इसके जब हम कनेक्टेड फाइंड आउट करेंगे तो सारे के सारे इसके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऊपर नीचे देखेंगे तो सारे ये कनेक्टेड है, फिर जब इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे निचला भी कनेक्टेड है ऊपर वाला भी कनेक्टेड है, तो विच मीन ओवरऑल सारे के सारे ही ये कनेक्टेड है, ठीक है ऐसे ही है। तो ये हमने बॉर्डर को कलर करना है, एक्चुअली में उसका बॉर्डर कलर करना है। तो जब हम बॉर्डर कलर करेंगे ना तो हमारे पास ये सारे 2x2 के बन जाएंगे, क्योंकि इन दिस केस कलर 2 बन गया अब, तो ये सारे 2x2 हो जाएंगे और सेंटर वाला वो हमारे पास वो ही रहेगा, ठीक है। ये वाला के द बॉर्डर ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट इज ऑल द स्केल द कनेक्टेड कंपोनेंट दैट आर इधर एडजेसेंट टू at least a square not in the component or on the boundary of the grid, ये वाला ठीक है। या तो बाउंड्री वाला वो केस था जो हमने पहले दोनों में देखा कि एक दफा इस तरफ की बाउंड्री बन रही थी और इसके अंदर हमारे पास इस तरफ की बाउंड्री बन रही थी, बट ये वाला एक कंप्लीट एक बॉर्डर बन रहा था राइट रो जो सब है, ठीक है क्लियर है। मैम फिजा अगर आप इसमें कुछ ऐड करें, अगर मैं कोई चीज मिस कर गया तो। नहीं ये तो सब कुछ ठीक है, जस्ट आई वांट टू क्लियर दिस डेफिनेशन हियर, क्योंकि ये बॉर्डर वाली चीज तो नहीं समझ आती है कि जो कनेक्टेड कंपोनेंट अगर बॉर्डर पे बड़ा होगा तो दैट विल बी द बॉर्डर, ठीक है। अब एक चीज और मैं जस्ट एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करना चाह रही हूं, लेट्स सपोज वी हैव लाइक यहां पे 1 है 1 है 2 है 3 है, let's suppose 1, अभी कुछ रैंडम ले लेते हैं फिर उसको अकॉर्डिंगली देख लेते हैं 1, 3, 4, थोड़ा सा इसको मैं अगर बिग कर दूं 1, 2, 1, 1, जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट्स सपोज के अब इधर है इस चीज के ऊपर बीच में कुछ थोड़ा सा बिगर ग्रिड लेके देख लेते हैं, ठीक है ये हमारा स्टार्ट कॉलम है, ठीक है। और अब हमारे पास थोड़ा सा और मैं इसको बिग करना चाह रही हूँ ताकि विद इन द मतलब बॉर्डर के ऊपर वो उसका बॉर्डर ना आए कंपोनेंट का, विद इन इसके अंदर संभव कहीं अगर आ सके। तो इफ आई टेक इट लाइक के लेट्स सपोज ये वैल्यू 3 थी और अच्छा वो कह रहे हैं कि बॉर्डर जो है square connected component ka is all the squares in the connected component that are either adjacent to at least a square not in the component, matlab jo uski border pe jaise ye wali cheez hai ye iske matlab border mein nahi aa rahi, let's suppose agar ye 3 tha ye aur ye bhi 3 fir uske baad hum aise le lete hain, theek hai to ye 3 ho gaya aur let's suppose isko bhi 3 keh dete hain aur isko bhi 3 keh dete hain। तो अब बेसिकली बॉर्डर इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसको भी ले लेते हैं 3, थोड़ा सा इसको जस्ट एक्सपेंड करके देखें तो व्हाट विल बी द बॉर्डर फॉर दिस केस, लेट्स जस्ट मेक इसको चले इसको 3 ना लेते, तो ये 3 है इसके एडजेसेंट पे ये है, मतलब इस केस में जो हमारे पास ओवरऑल कंपोनेंट कनेक्टेड बन रहा है दैट इज दिस वन, मतलब ये हमारा ये कनेक्टेड कंपोनेंट हमारा बन गया इस केस में, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें 1 नहीं है इसका पार्ट, तो अब इसके अंदर हम आई एम जस्ट एडिंग जस्ट फ्यू मोर एलिमेंट्स इन टू मेक श्योर कि ये थोड़ा सा लेट्स जस्ट ऐड दिस 3 एज वेल। अच्छा अब इसमें से इसकी बाउंड्री क्या बनेगी,
बाउंड्री जो है इसकी दैट विल बी, मतलब ये वाली बाउंड्री एक तो ऊपर से बनेगी क्योंकि इसके साथ जितने भी कनेक्टेड ऊपर कंपोनेंट्स हैं ये उसके कनेक्टेड कंपोनेंट में नहीं आ रहे क्योंकि इसके साथ जो एडजेसेंट सेल्स हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ एडजेसेंट सेल आ रहा है तो लेकिन इसके साथ ये वाला वन जो है इस वाले थ्री के साथ दिस इज नॉट इन दी कनेक्टेड कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली ये भी बाउंड्री में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला थ्री या इसके थ्री के इस तरफ तो ये आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये थ्री बाउंड्री पे नहीं आएगा। उसके बाद भी कम हियर ये वाला थ्री बाउंड्री पे आएगा, ये वाला थ्री भी आएगा बाउंड्री पे, लेट्स जस्ट ऐड दोस बाउंड्री सेल्स हियर। उसके बाद ये वाले सारे थ्री बाउंड्री पे, ये भी बाउंड्री पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे से आई गेस दिस विल बी द फुल बाउंड्री, तब इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बना के देखूँ तो दिस विल बी द, मतलब इसके अंदर ये वाला थ्री मेन आ रहा था, राइट, तो ये हो गया और थोड़ा सा मिक्सअप हो गया ये, जस्ट लेट्स जस्ट क्लियर दिस। ओके तो मैम राइट नो, आप ये सेकंड थ्री ले रही है ना, ये वाला है ना? मैं ना बाउंड्री को एक्चुअली हाईलाइट करना चाह रही हूँ, बाउंड्री के केस में ना ये वाला तो बाउंड्री में नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो आपने जो हाईलाइट किया है ना दिस विल नॉट बी द बाउंड्री, क्यों, क्योंकि इसके चारों साइड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, इट्स मीन कि दिस विल नॉट बी द बाउंड्री सेल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि इसमें से बाउंड्री सेल्स कौन से हैं, लेट्स ट्राई टू हाईलाइट दैट। ओहो सारा कुछ डिलीट हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, मिशन अपडेट। ओके तो बाउंड्री सेल्स में तो हमारे पास पास ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ऑब्वियसली ये भी हमारी बाउंड्री में आ रहा होगा, लेट्स जस्ट टेक दिस वन एज वेल इन आवर बाउंड्री, ठीक है। और लाइक यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे करके इसको, सॉरी इसको ऐसे करके थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, और यहाँ से इट विल बी लाइक, इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ मैं, ये नीचे आके इस तरह से हो गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आ गया बाउंड्री में आपके। मतलब ये जो इतना वाला पार्ट है ना, ये जो दो थ्रीज हैं ये बस बाउंड्री में नहीं आ रहे, बाकी के जो थ्रीज हैं ये वाले सारे दीज आर कमिंग ऑन द बाउंड्री। तो अगर हमारे पास कोई कलर के बनाता लेट्स सपोज वाइट, तो हम इसको भी चेंज करते थोड़ा सा डिफरेंट कलर इसमें ना, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ देयर इज समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग, जस्ट इस पार्ट पर मैं एक्चुअली ना वो करना चाह रही हूँ क्लियर। तो ये है, ये भी हम इसको अपडेट कर देंगे हम, क्योंकि ये बाउंड्री सेल्स हैं, ठीक है, इस कनेक्टेड कंपोनेंट के, ये भी बाउंड्री सेल है, इसको भी चेंज करेंगे, ये भी बाउंड्री सेल है, इसको भी, दिस वन विल बी चेंज्ड एज वेल, दिस वन विल बी चेंज्ड एंड दिस वन विल बी चेंज्ड, तो ये वाला नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये वाले दो थ्री। और ऑब्वियसली अच्छा इसमें एक चीज और भी है, ये थ्री भी तो उस केस में बाउंड्री सेल पे नहीं आ जाएगा, ये वाला भी क्योंकि नहीं, इसके भी ये जोन सा कनेक्टेड, बाउंड्री मेरे ख्याल से ये वाला बाउंड्री पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने ओवरऑल बाउंड्री को कंसीडर करना है ना। या तो हम थोड़ा सा अपना टिल्ट करके आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर तक थ्री पे पहुंचे थे ये वाले थ्री तक, ठीक है, तो इधर से हम टिल्ट होके इस थ्री को काउंट करें ऐसे करके, ठीक है, फिर ये वाला स्किप हो जाएगा बीच में। यू आर सेइंग कि ये वाले दोनों थ्री हमारे उसमें नहीं आएंगे, जी ये वाला लेकिन आए दोनों, जाए वन के जो टॉप पे थ्री है ही आएगा। यस क्योंकि उसमें हम लिखा हुआ है वन के कि अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, एटलीस्ट हम थ्री के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, राइट नो। कोई भी हो एक्चुअली यहाँ पे, देखो कोई आ जाओ, यस प्लीज गो ऑन। मैम, मुझे ये नहीं क्लियर हुआ, हम थ्री के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं कि वन के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे थे? एक्चुअली इस चीज को रीड करें, कह रहे कि एक तो कनेक्टेड कंपोनेंट तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया ना जिसमें ये सारे ट्रीज थे, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल एक पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट था। अब इस कनेक्टेड कंपोनेंट की हमने बाउंड्री आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट इज एग्जैक्टली द बाउंड्री, बाउंड्री में या तो वो आपके इधर पड़े हो, क्योंकि इधर अगर आपके बाउंड्री सेल्स पे पड़े होंगे लाइक लास्ट रो लास्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, तो उस केस में तो आपको पता है कि इसके आस पास जो है कोई भी लाइक और आपके पास, मतलब इट विल कम ऑन बाउंड्री कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा दूसरी। उसका।
नहीं वो कनेक्टेड कंपोनेंट चाहे हो भी, लेकिन उसमें से ये वाले सेल्स तो बाउंड्री सेल्स तो उसकी बाउंड्री पे आएंगे ही आएंगे, मतलब उनको तो हमने कलर करना है अगर वो बाउंड्री पे हम रीच कर देते हैं, मतलब कोई ये थ्री अगर यहाँ पे होता ना ऐसे करके, तो ये भी आपकी बाउंड्री पे आता क्योंकि ये बाउंड्री पे पड़ा था। लेट सपोज अगर ये भी होता यहाँ पे तो ये भी आपकी बाउंड्री में आ जाता। ठीक है, तो मैडम जो एक आपके पास बात, ये जी सॉरी आपको कट किया, ये जी देखें मेरे हाल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आप इसके डिसलाइक्स देखें ज्यादा है लाइक्स कम है, ठीक है। जो मुझे थोड़ा सा समझ मतलब हल्की सी जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ ना वो ये कि आपको रो और कॉलम जो है ना वो डिफाइन कर रहा है कि उस पोजीशन पे आपने ये कलर करना है, और उस पे जो ओरिजिनली जो कलर था वो सारे कनेक्टेड उनको वो चेंज कर देगा, ठीक है मुझे जो लग रहा है। ठीक है, रो 0 और कॉलम 0 पे ओरिजिनली कलर था 1, ठीक है, और 1 कनेक्टेड जिन जिन के साथ होगा ना उन पे सब पे कलर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल 2 पे देखें, रो 0 कॉलम 1, ठीक है, उस पे 2 पड़ा हुआ था, अब जितने एडजेसेंट 2s है ना उसके अंदर उनको वो 3 से रिप्लेस कर रहा है। एक्चुअली ये चीज है नहीं, बाउंड्री को करना है हमने। यस प्लीज समवन ट्राइंग टू स्पीक। एग्जांपल 3 में देखे ना, उसमें क्लियर हो रहा है बॉर्डर का। एग्जैक्टली मतलब बॉर्डर देखें, बॉर्डर कहने को बॉर्डर है, लेकिन मुझे जो चीज अंडरस्टैंड हो रही है ना इसकी एग्जांपल से वो ये कि आपको ये जो रो और पोजीशन है ना इस पे आपने जो भी ओरिजिनली कलर था उसके कनेक्टेड सारे जो एडजेसेंट थे जिन पे सेम कलर था ओरिजिनल कलर, जैसे कि इसमें यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसके अंदर जो जो 2 कनेक्टेड हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बेशक वो बॉर्डर पे है नहीं है, तो उनको वो चेंज कर देगा विद दिस कलर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप इस एग्जांपल 3 को, इसको ट्राई करें आप, थर्ड एग्जांपल को, यू विल हाँ गेट बेटर एग्जांपल देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग। 1 1 का मतलब क्या है कि आप इस पे 1 पड़ा हुआ, ठीक है, और उस पे आपने कलर करना है 2, तो आपने सारे 2s को रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये वाला रिप्लेस नहीं ना हो रहा क्योंकि ये बाउंड्री पे नहीं अच्छा आ रहा, ठीक है, कंडीशन है ना तो कॉन्फर्म होना चाहिए, एटलीस्ट एक उसके साथ ऐसा होना चाहिए तो सेम कलर का ना। अच्छा ठीक है, सही है, थैंक यू, मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ था, चलें सही है कंटिन्यू। हम लोग को भी नहीं, पहली दो एग्जांपल्स देख के लगा था शायद सारों को करना है, लेकिन थर्ड एग्जांपल देख के हुआ कि नहीं सिर्फ बॉर्डर को करना है। तो उस वजह से आई वाज ट्राइंग कि किस तरह के एग्जांपल देखें जिसमें ये वाली चीज अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि इस केस में तो हमें पता है ये सारा कुछ बाउंड्री पे पड़ा था, हमने उसको तो कर दिया कलर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाउंड्री पे हो, अंदर भी बाउंड्री हो सकती है। तो उसके लिए आई वाज ट्राइंग कि इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपकी बाउंड्री में वो वाले सेल्स, आपके एक तो कनेक्टेड कंपोनेंट पूरा आ गया जिसमें मैंने एग्जांपल ली सारे थ्रीज थे, ठीक है, ये एक पूरा हाइलाइटेड बाउंड्री या हाइलाइटेड कंपोनेंट, नॉट द बाउंड्री, ये हमारी वो बन गई कंपोनेंट बन गया पूरा। अब इसकी बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना है। बाउंड्री के लिए उसने कहा है कि दैट आर ईदर एडजेसेंट टू, ये तो हमें समझ आ गया बाउंड्री वाली चीज, तो चलो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ये वाली चीज है कि एटलीस्ट अ स्क्वायर नॉट इन द कंपोनेंट। उसका मतलब ये कि जैसे ये वन है ना, या आपकी जैसे ये वन है, ये वन भी जो है ये आपके कंपोनेंट में ये नहीं है, मतलब डिफरेंट नंबर्स है ना, ये आपके इस कनेक्टेड कंपोनेंट में नहीं है। तो अगर कोई भी सेल आपके कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर किसी ऐसे सेल के साथ एडजस्टेंट होगा, एटलीस्ट एक भी हो जाए, जरूरी नहीं है कि एक हो सकता है चारों के चार, चारों ही उसके इर्द-गिर्द जो है वो डिफरेंट कलर्स के हों, लेकिन एटलीस्ट एक भी हमें मिल जाएगा ना, तो वी विल कंसिडर दैट एज द बाउंड्री सेल और उसको हम अपडेट कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे ये 3 भी हमारा बाउंड्री सेल ही कंसिडर होगा, ऑल्दो ये भी कंसिडर होगा बाउंड्री सेल, लेकिन ये भी कंसिडर होगा बाउंड्री सेल क्योंकि इसके यहाँ पे 1 जो है ना, इसकी वजह से ये भी बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब ये 1 सेपरेट हो गया था ना, उसकी वजह से ये 3 भी बाउंड्री पे आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर अगर इस 3 की बात करें तो ये 3 बाउंड्री नहीं है हमारी, क्योंकि इस 3 के चारों साइड्स पे 3 मतलब सेम ही कलर है, तो इट्स मीन दिस इज नॉट द बाउंड्री सेल। सो आई गेस दिस इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। और अगर हम लोगों ने इसको आई गेस सॉल्व करना है तो इट शुड बी सिंपल, लाइक एक तो हम डीएफएस पे जैसे हम नॉर्मली डीएफएस अप्लाई करते हैं, वी कैन जस्ट डू द डीएफएस ऑन दिस, और जहां जहां पे हमें कंडीशन मीट कर रही हो जिस जिस सेल के ऊपर बाउंड्री सेल की, उसको हम बस कलर कर दें, और जहाँ पे, और ये हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे मसला ये होगा कि हम अगर मैट्रिक्स के अंदर ही इसको कर देंगे, हो सकता है उसके लिए भी कोई ऑप्टिमाइज्ड वे हो,
अगर हम मैट्रिक्स के अंदर ही डायरेक्ट इसको पहले 4 पे कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारे लिए बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा. सो आई गेस इट्स बेटर कि इसको हम एक सेपरेट मैट्रिक्स के अंदर जो है अपडेट करें. तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोग को, एक तो हमने स्टार्ट सेल से स्टार्ट करना है और फिर उसके चारों नेबर्स को हम लोगों ने चेक करना है. तो इसके मैंने फोर्थ ऑल ऑफ द फोर नेबर्स चेक किए. आई सॉ के दीज आर ऑल दी मतलब इसके चारों के चारों जो नेबर्स हैं वो मेरे या फिर हम ये भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स मोर सिंपल कि पहले हम पूरा पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट जो है ना उसको आइडेंटिफाई करें. उसको हम किसी भी रैंडम नंबर, कोई ऐसा नंबर जो हमारे इसमें ना पड़ा हो, लेट्स सपोज कोई कोई कैरेक्टर ले लेते हैं एक्स, जस्ट टू टेल कि ये हमारा पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट है. या इसको जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल पहले हम डी एफ एस अप्लाई करें, पूरा पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सप्लोर करें और उसके बाद उस कनेक्टेड कंपोनेंट के सिर्फ उन सेल्स को हम कलर कर दें जो हमारे बाउंड्री सेल वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. वो या तो हमारी बाउंड्री पे होंगे या फिर उनके आसपास चारों साइड्स पे. जब अगर चारों साइड्स पे सेम एक्स पड़ा होगा तो इट्स मीन कि उसको कलर नहीं करना. अगर किसी भी एक साइड पे एक्स नहीं होगा तो इट्स मीन कि उसको कलर करना है. और फिर इवेंचुअली फाइनली हम एक्सिस को वापस जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर हम वापस रिवर्ट कर सकते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच टू मेक द थिंग सिंपल. दैट्स व्हाई आई सेड कि हम उसको इनिशियली पहले एक्सप्लोर करके कंपोनेंट को एक्स मार्क कर दें कि ये एक्सप्लोर कंपोनेंट है और फिर हम उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा मैडम, ये था कि ये जो रो एंड कॉलम जो गिवन है यहां, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जी? ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ये कहां पर मेंशन तो नहीं किया हुआ ना? उसने यहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने लिखा हुआ, यू शुड कलर द बॉर्डर ऑफ द कनेक्टेड कंपोनेंट दैट कंटेन्स द स्क्वायर ग्रिड रो कॉलम विद कलर. वैसे पता नहीं इसने, खैर ये आई फील कि इट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हो सकता है कहीं और भी 3-3 पड़ा हो लेकिन वो हमारे इस कनेक्टेड कंपोनेंट के साथ कहीं कनेक्टेड ही ना हो. लाइक लेट्स सपोज यहाँ पर 3-3 था, यहाँ पे 1 था और ये कनेक्टेड नहीं था. जस्ट 1 के केस में देखें, अगर हमने स्टार्टिंग लिया तो दिस इज द कनेक्टेड कंपोनेंट, वी विल नॉट कंसिडर दिस वन क्योंकि इसके साथ, इस वाले के साथ, क्योंकि ये जो रो कॉलम उसने दी है इसके साथ कनेक्टेड ये है, इसके साथ ये वाला कोई भी कनेक्टेड नहीं है. तो आई गेस साइंस उसकी ही, मतलब शायद उसको कहना है, वो कहना यही चाह रहा है कि यहाँ से आप स्टार्ट करें. ठीक है, आई गेस दिस इज डूएबल. कोई और अप्रोच आपके, लाइक जो मैंने भी अप्रोच बताया उसमें ऑब्वियसली यू नीड टू परफॉर्म 3 स्टेप्स. पहले तो आप इसको ओरिजिनल में नहीं कर सकते, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. मतलब इफ यू थिंक हम इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या हम डायरेक्ट, मतलब पहले उसको एक्स मार्क ना करें, डायरेक्ट हम ऐसे कर दें, उसमें क्या प्रॉब्लम्स? क्योंकि मुझे इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स यही नजर आ रही हैं कि उस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने इसको पहले, मतलब उस केस में थोड़ा सा ना आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगी अगर हमने क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि अभी कंपोनेंट में और कहाँ कहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं. तो वो थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करना, बॉर्डर को बाद में हमने वंस कंपोनेंट एक्सप्लोर कर लिया तो उसके बॉर्डर को आइडेंटिफाई करना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम ऑन द गो करें तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है. डू यू थिंक कि उसका कोई या किसी के भी माइंड में कोई आता हो? आप विजिटर के सेंस में कह रही हैं कि अब जिसको मैं विजिट कर लिया होगा उसके सेंस में कह रही हैं मॉडिफाई करने के हवाले से? जी, मतलब जिस टाइम हम डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस टाइम हम उसको विजिट कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं कंपोनेंट को, उसी टाइम पे हम उसके बॉर्डर सेल्स को मॉडिफाई कर दें. देखें आप उसको, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स है ना, मोस्ट प्रोबब्ली ये जो नंबर्स होंगे ये पॉजिटिव होंगे. थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, कंस्ट्रेंट क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं. आई थिंक मतलब ग्रेड आई जे जो है वो ग्रेटर देन 1 से 1000 तक की है. अगर आप नेगेटिव कर दें तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बेस पे डिसाइड करेंगे कि क्या वो ओरिजिनल कलर क्या था. मतलब आपको उसको कीप भी करना शायद नहीं पड़ेगा या जो भी, और आप नेगेटिव मार्क कर दें तो उसके अलावा विजिट कर लिया आपने. तो इसे यू आर सेइंग कि हमने पहले एक्सप्लोर किया, सारों को नेगेटिव 3 मार्क कर दिया, मतलब ओवरऑल कंपोनेंट पर, उसके बाद बॉर्डर को आइडेंटिफाई करके बस बॉर्डर के कलर्स को चेंज कर दिया और बाकी जो नेगेटिव 3 थे उनको वापस ओरिजिनल पे. मे बी 3 स्टेप्स कैन बी डन. फर्स्ट स्टेप के आप एक्सप्लोर करें, सेकंड स्टेप जो माइनस 3 थे उनको कलर में चेंज करें, और लास्ट स्टेप के आप ये माइनस 3 को वापस 3 पे कन्वर्ट कर दें. हाँ, यूं भी कर सकते हैं कि आप ना, हाँ सही कह रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक ट्रिवर्सल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नेगेटिव से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते. अदरवाइज बैक ट्रैक करते हुए अगर आप इसे नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो हो सकता है किसी और पाथ से, मे भी नहीं हो सकता है वैसे, कि अगर आप एक पाथ को एक्सप्लोर कर लिया
तो जब आप उस पाथ में एंटर हो रही हैं तो उसको नेगेटिव कर दिया और उसके सारे उनको कर दिया, प्रोसेस कर दिया, जब रिटर्न करने लगी तो उसको दोबारा से रिवर्ट कर दिया। क्योंकि डीएफएस अगर कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो किसी और डायरेक्शन से उस जगह पे आ नहीं सकता ना। तो मेरे ख्याल आपको दो ट्रेवर्सल नहीं चाहिए होंगी, आपको जस्ट वो रिटर्न से पहले ना जब ऑल डायरेक्शन में कर चुका है तो फिर उसको अनडू कर दें। Like you're saying कि जब हमने पूरी मतलब इस थ्री के लिए सारा कुछ कंप्लीट हो गया वैनिटेशन बैक ऑन दिस टू जस्ट चेक इफ इट इज अ बॉर्डर सेल और नॉट एंड देन अपडेट इट अकॉर्डिंगली, उस केस में फिर इसको नेगेटिव ठीक करने की भी आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगी। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बॉर्डर का तो आप डिफाइन कर ही लेंगे ना कि क्या ये बॉर्डर पे है या फिर इस किसी डिफरेंट कलर के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, ठीक है? तो वो तो एक डिफरेंट कंडीशन होगी मैं वाला कि आपने उसको, हाँ मतलब आप बात सही करेंगे कि उसको किस तरह करेंगे कि विजिटेड भी करना है और उसको वो भी करना है, दो चीजें हम कैसे एक जगह पे मार्क कर सकते हैं। आपसे हार्ड कोड कर सकती हैं कि हार्ड कोड कैसे करेंगे, बहरहाल मैं मतलब टू पास करके या ये कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं विजिटेड के लिए। सही है, चलिए एक और क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लें, इसको बाद में देखेंगे अगर इंप्लीमेंट कर सकेंगे। मैं ओपन कर लूं, ओपन करेंगे जी, ओपन करो। आप स्क्रीन शेयर कर लें फिर मैंने। ये क्वेश्चन अभी हमने 6 PM पे डिस्कस किया था। मैं आप ओपन कर लीजिएगा। क्या हुआ आपका नेट का मसला हो गया? इसको क्विकली कर लेते हैं, लाइक व्हाट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम हियर वो क्विकली। मेरे ख्याल से रेहान ने भी किया होगा ये क्वेश्चन। जी मैडम आप क्या कह रही हैं, सॉरी मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन हम लोगों ने तकरीबन काफी लोगों ने किया हुआ, तो इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट लाइक व्हाट मीना इज थिंकिंग हाउ इज शी सॉल्विंग दिस। आपने वैसे किया हुआ ये क्वेश्चन? मैडम किया हुआ है जी, किया हुआ है। ठीक है मैं ना क्विकली फिर इसको लाइक इफ यू वांट टू एक्सप्लेन ताकि बाकियों को समझ आ जाए फिर इसका हाउ यू तो हमने वो रीजन कैप्चर करना है जो सराउंडेड हो एक्स से, हम बॉर्डर को नहीं लेंगे इसमें, तो बॉर्डर ये कंसिडर नहीं करेंगे कि बॉर्डर में एक्स पे ग्राउंडेड है, बॉर्डर को ड्रॉप कर देंगे। जैसे इसमें कितने रीजन बनवाए हैं तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, इसमें टू रीजन मिल गए, एक रीजन हमारे पास ये बन गया। फोर डायरेक्शन में देखना, हॉरिजॉन्टल नहीं हमने देखना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं देख, सॉरी डायगोनल नहीं देखना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल देख, तो इसमें हमारे पास ये दो रीजन होंगे, ये और एक ये, ये वाला रीजन तो है, ये तो सराउंडेड है एक्स से। इसके टॉप पे हमारे पास एक्स है, यहाँ पर हमारे पास एक्स है, इस डायरेक्शन में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर एक्स है, इस साइड को भी एक्स है, इस साइड को भी एक्स है, और यहाँ पर
ये तो हमारे पास एक्सेस अराउंडेड है, इसको हम चेंज कर देंगे एक्स, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। और ये जो जीरो है क्योंकि बॉर्डर पे था हमारे पास, तो हमने बॉर्डर को कंसिडर नहीं करना, इसलिए इसको हमने चेंज किया, इसको हम इसी तरह चेंज करेंगे। तो इसमें बताएं कि आपके माइंड में क्या आता है, मतलब नेचुरली आप किस तरह थिंक करती हैं, मतलब कोड देखे बगैर आप इसको जस्ट एक लॉजिक डिस्कस कर रहे थे, बाकी तो क्वेश्चन तो ये सिंपल ही लग रहा है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर में आ रहा होगा, अगर कोई बॉर्डर के साथ नहीं टच हो रहा होगा, उसका मतलब है कि वो तो हमारे पास सराउंडेड बाय एक्स होगा कंपोनेंट। जो हमारे पास बॉर्डर में आ रहा होगा उसको हम रख लेंगे और वो उसको हम कीप कर लेंगे, अदरवाइज जो हमारे पास बॉर्डर में नहीं होंगे उनको हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे कि अगर आपका कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको जिन मतलब जिस तरह मैं नोटेट करता हूँ एक सेकेंड, अगर यहाँ पर भी जीरो पड़ा होता तो वो भी चेंज ना होता ना, क्योंकि उसका बॉर्डर इससे कनेक्शन है और ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने बॉर्डर से अपने DFS रन की और उन सारे नंबर्स को जो जो जीरो थे उसको किसी थर्ड कैरेक्टर में चेंज कर दिया, राइट? ठीक है, ताकि फॉर एग्जाम्पल ये ओ था तो इसको मैं कह देता हूँ कि इसको जी कह देता हूँ, ठीक है, और ये भी ओ था तो लेट से इसको भी मैं जी कर देता हूँ, ठीक है। जितने मैं मतलब मैं ऑल रो जितने बॉर्डर पे है ना, अगर कहीं पे ओ पड़ा हुआ है तो वहां से DFS रन करूंगा और उनको एक थर्ड कैरेक्टर में चेंज कर दूंगा, हर रो हर कॉलम, मतलब सिर्फ बॉर्डर वालों पे, ठीक है, अगर कहीं पे ओ पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर बाद में जितने इसके इन बिटवीन अगर कुछ ओस पड़े हुए हैं जैसे ये पड़े हुए थे तो उनको मैंने एक्स में कन्वर्ट कर देना है, और ये जो जीज अगर पड़े होंगे उनको रिवर्ट बैक कर देना है ओ में, ठीक है। सही होगा, तो मैडम अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट रिवाइज हो जाता। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एम प्रोसेस, हमारे पास मैक्सिमम जो होगा हमें DFS हमें यहां मोटर पर चलने पड़ेगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि वो भी उसमें जाएगा, डेप्थ में जाएगा, वो भी ओ ऑफ एम प्रोसेस ही होगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को किसी तरह आप वो कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं, इसी इसी को मॉडिफाई इस तरह कर दें कि आपने मार्क कर लिए इस तरह कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको यूज ना करनी पड़े। अगर तो वो होगा सारे ओ हो, सपोज करेंगे हमारे पास सारे ओ हैं पूरे बोर्ड में, तो हमें जब डेस्क में मूव करेंगे तो सबको स्टैक में तो डालना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब स्टैक की वजह से लगेगी, आप सही कह रही, ठीक कह रही, सही कह रही हैं आप, मतलब बेशक विजिटेड नहीं भी कर रही हैं लेकिन स्टैक की वजह से आपके वर्स्ट केस में हाल है, वो आपको लीनियर ही कहेंगे उसे, वो ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एम जो भी है। विजिटेड पे ऐसा नहीं कर रही, मुझे माफ नहीं करना क्योंकि वो को चेंज करती है ना बॉर्डर वाले, वो उसने जरूरत दी है। हाँ सही कह रही हैं, मैं ही कह रहा हूँ रिकर्जन की वजह से स्टैक तो यूज हो रहा है, तो आप उसको अगर आप रिकर्सिव वे में कर रही हैं तो आप विजिटेड में यूज कर रही है नहीं कर रही है, तो उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी वही रहेगी, ठीक है। मैडम कोई और क्वेश्चन है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैडम फिजा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन अगर है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मेरा रैंडम क्वेश्चन है, कोई रैंडम ओपन कर लूंगी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। रैंडम ओपन कर लें। मैडम मेरा कोड शेयर कर ले कर दीजिएगा जब भी आपके टाइम। अच्छा, बाकी लोगों में से मैं ये कहूंगा कि देखिए जिसने जिसको नहीं समझ आया ना, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद स्पीक मतलब करे और उसमें से क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज आपके सामने चीजें अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं गुजर रही हैं तो फिर आपकी मर्जी है कि आप नहीं बोल रहे। तो जैसे टीचर अगर क्लास में आता है और वो उसको कोई बंदा कोई वो नहीं करता ना, डिस्ट्रैक्ट मी क्वेश्चन नहीं करता, तो वो फिर जो पढ़ा रहा है सबको एज्यूम करता है कि समझ आ रहा है, ठीक है। चलें ये क्वेश्चन देखें, मैंने इसका अगर लिंक आप शेयर कर लें। सर ये नेट कोड वाला जो आप शेयर करते हैं इसे शेयर करते हैं कि वो वहीं से क्लिक करो ओपन हो जाता है? बस ये लिंक आप कॉपी करेंगे ना, कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहीं से इसी तरह आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा, लिंक बना देगा, उसको उसका लिंक प्लेस कर देगा।
अच्छा मैडम, क्वेश्चन है, ये जो बाउंड्री पे है वो दूसरी तरफ कंसिडर होगा, मतलब जैसे 0 0 वाला एलिमेंट है उससे पिछली रो एग्जिस्ट नहीं करी तो वो लास्ट रो को एडजेसेंट कंसिडर करेगा, साइक्लिक जिस तरह होता है। नहीं, आई थिंक इट्स लाइक सेम कि इतनी विंडो आप ले लें, के इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 का मतलब है कि 2 क्रॉस 2 की विंडो लेनी है आपने स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सेल. इसी तरह इट इज आई गेस व्हेन इट इज 3, तो आपने उस केस में आपकी लेफ्ट साइड से विंडो और राइट साइड से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आई प्लस 1 एंड आई माइनस 1 आई गेस इक्वल बिकम सम. आई गेस अगर आपके पास k is equals to, जैसे k is equals to 2 है, तो लेफ्ट साइड से तो आपकी विंडो उतनी नहीं बनती. 2 + 1 करें तो वो 3 तक जाता है, ठीक है, लेफ्ट से करें तो ये 1 पर आता है, तो उस केस में आपकी विंडो बनती है 3 × 3. तो लेकिन इस उसके लिए केस हाथ में से अगर आप देखें तो वो उसका साइज कम होना चाहिए, आउटपुट का ना डायमेंशन, राइट होना चाहिए ना, उसमें रो और कॉलम कम होने चाहिए क्योंकि आप। लेकिन इन दिस केस रो और कॉलम सेम रहेगा, जस्ट वो जो हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो आई थिंक वेरी करेगा कि कौन से बॉक्स से सम करने हैं हम. एग्जैक्टली. लाइक अगर हम इस एग्जांपल को देखें ना, तो हाँ इसमें वो पहले ले रहा है ये वाली विंडो, ठीक है, क्योंकि उसमें आई आपका 0 है, ठीक है, मतलब 0 से आपने पकड़ा, और 0 + 1 क्योंकि इसको इंक्लूड करना है आपने रो में, तो आपका ये भी इंक्लूड हो गया, लेफ्ट पे कुछ नहीं पड़ा हुआ. कॉलम के केस में, क्योंकि यहाँ तक रो आ गई, कॉलम के केस में भी आपका कॉलम प्लस 0 है, मतलब जे माइनस के, जो जे आपका है करंटली लेकिन एक सम आ जे गया ना, जीरो. मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, एक सम आ गया ठीक है, 12 आ गया ठीक है, आप इस बॉक्स को शिफ्ट करेंगे राइट पे तो वन मोर एलिमेंट आ जाएगा, इसका मतलब कि आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे ठीक है, इसी तरह ही है ना। लेकिन डायमेंशन, आउटपुट की डायमेंशन देखें नहीं, उसकी सबके वजह लिए से करना है. आपने स्टार्ट करना है पहले 0,0 से, उस केस में ये ठीक वाला है, पूरा आपने लेना है, फिर आप 0,1 पे आएंगे, उस केस में आपका एगेस ये बनता है, देखिए आए आए अब आपका उसमें ये 0 है, पूरा बनता है. अच्छा देखिए आए 0 है, 0 0 की बात कर रहा हूँ ठीक है, 0 0 में आपको उससे ऊपर कोई रो एग्जिस्ट नहीं कर रही ठीक है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आई माइनस के, इसका मतलब के वो वन है आपका तो आएगा ही ना, उसका मतलब ये है कि वो आपके, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको आप ऐड ही नहीं करेंगे. आई हमारा केस वेरी होगा ना, 0 से 1 तक, और जे भी 0 से 1 तक वेरी होगा, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम ऐड करके उस पॉइंट पे दे देंगे. यहाँ पर वो ये कह रहा है ना, इस कंडीशन का मतलब है -1 इज, मतलब आर जो है वो आपका है -1 से लेके 1 तक, इसी तरह कॉलम भी आपका है -1 से 1 तक, तो वो आपकी इतनी ग्रिड बनती है, ठीक है, मतलब जब माइनस पे चला जाएगा तो इट्स मीन टू एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. सिमिलरली इफ यू हैव आई इज इक्वल्स टू, मतलब रो इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 1, तो उस केस में यू नो कि आपकी रो जो है वो उतनी ही रह रही है, -1 से 1 तक ही आपने पिक करनी है रो, लेकिन कॉलम जो है आपका वो हो जाएगा 0 से लेके, क्योंकि जे माइनस के इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो 0 से लेकर ये हो जाएगा आपका 2 तक, मतलब कॉलम्स आपने 0 से 2 तक कॉपी करने हैं, मतलब सम करने हो, रोज आपकी, रोज जो रो का जो इटरेटर चलेगा वो -1 से 1, -1 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको क्लैंप 0 पे कर देंगे. इसी तरह अगर हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे होंगे तो हम उसको, नहीं, ये मतलब आपकी यहाँ पे अजम्पशन है हम. मैडम, ये आपकी ना अजम्पशन है, इसमें उसने कहीं मेंशन नहीं किया, वो कहाँ मेंशन किया हुआ, इसी तरह हो रहा है, आप देखिए ना फर्स्ट को, फर्स्ट नोट वाला आंसर कैसे आ रहा है, 1 + 2 + 3 अच्छा चलो सॉरी वन देखिए फाइव मैं कह रहा हूँ कि एक आपका आंसर इधर से जनरेट हुआ ठीक है, लेट्स अज्यूम कि नंबर ठीक कंप्लीट हुआ ठीक है, अच्छा एक आंसर आपका इधर से जनरेट होगा राइट, फिर एक आंसर आपका इधर से जनरेट होगा, मैडम फिर अगर आप डिसएग्री करें प्लीज बताइएगा, मेरे ख्याल में इसका अगर इस अप्रोच पे बात करनी है ना नहीं, ऐसे नहीं समझूंगा. मतलब फिर कैसे। जब आप 0 पे थे ना, 0 पे आपको पता है कि आपकी रोज का जो इटरेटर चल रहा था वो 0 से, क्योंकि -1 तो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 से 1, तो मीन्स कि 0th रो से लेकर आप फर्स्ट रो तक जा रहे हैं, ये दोनों रोज ले रहे हैं. और कॉलम के केस में जब हैं आप 0th कॉलम पे हैं, ठीक है, 0th कॉलम का मतलब ये कि आपने कॉलम नंबर 1 से 0 से लेकर, मतलब -1 तो वो माइनस में चला जाएगा तो उसको 0 कह रहे हैं, 0 से लेके 1 तक 0th कॉलम आपका ये 1, तो वो ये, तो आपका ये वाली विंडो बनती है. लेकिन अगर आप 0,1 को देखें ना, इसकी विंडो डिफरेंट बनेगी, क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स जो रोज हैं वो आपकी बन रही होंगी 0 से 1 तक, वो तो यहाँ तक ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन इस केस में कॉलम्स जो आप सम अप कर सकते हैं वो आई गेस
ये वाले सारे सही कह बच्चे रही है, अगर हम करें तो इसको चाहिए जमा कर ट्वेंटी सम वन करके देख लेते हैं, 5, 10, 12, 12 और 9, 21। मेरे ख्याल ठीक कह रही है, सही कह रही है मेरा, सही कह रही है। अच्छा इसको ग्रिड देख के वेरी ब्रूट कर फोर्स रहा हो, है, एक ग्रिड इसको कभी देख के छोटी हो ब्रूट। रही है, बड़ी हो रही है। हाँ एक्जेक्टली, वैसे जब ये इंक्रीज हो रही है हम पिछली कोई ग्रिड को यूज कर सकते हैं, आई गेस कर तो सकते हैं, ब्रूट फोर्स तो चलने समझ आ जाती है उसको तो कर लें, लेकिन जब हम इसको इंक्रीज करें जब हम यहाँ पर आए हैं, मे बी हम कोई इसमें प्रीफिक्स सम यूज करके उसको कर सकते हो, क्योंकि ब्रूट फोर्स में तो हमें बार बार एवरी सिंगल आई के लिए थिंक बार बार हमने सम से करना। रिलेटेड एक मतलब ग्रिड सम नहीं था वो, उसके अंदर हम कॉर्नर के ऊपर ना पिछले जितने भी उससे ऊपर सेल्स होते थे उनका सम कैलकुलेट करके रख लेते थे। मतलब आप अगर 1, 2, 4 का सम करेंगे ना और साथ 5 को सम करेंगे तो 5 की जगह पे वो सम टोटल रखवा देंगे, ठीक है। अगर आप 6 की जगह पे पहुंचे ना, 6 की जगह पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब का सम करके 6 की पोजीशन पर रखवाना है। मतलब जो हमारा बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर होगा ना उसके ऊपर सम पड़ा होगा पूरी ग्रिड का। तो इन दैट केस हम एवरी टाइम ये फिर कंप्यूट करते होते, जस्ट कॉर्नर वाला सम ले रहे होते थे। एग्जैक्टली, आई गेस ये तो इट इज सिमिलर टू दैट क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले किया था, मतलब वो कुछ फिक्स था, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, इसमें जस्ट आपको एवरी सिंगल के लिए करना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ की बनती, उसमें शायद आरसी, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि उसने शायद ये वाली चीज़ की थी कि यहाँ पे आके बनी, पर आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट इस केस में हमें एवरी सिंगल सेट के लिए वो चीज़ आई गेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसमें बाउंड्रीज तो पता चल गई हैं, बाकी हम सम जो है उन बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जब हमने जैसे ये -b सबट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। सही कह रही हूँ। उसमें हमने ना इस तरह किया था कि शायद एक साइज एक्स्ट्रा लिया था, राइट, 0, 0 ना, ठीक है, ताकि हमें ना कंप्यूट करना इजी हो। तो हम क्या करते थे कि ये जो नंबर होता था, ये वाला नंबर, मतलब पहले एक आइटरेशन में आप इसका सम कंप्यूट करेंगे और बाद में आप उसको अपडेट करेंगे, और जो भी जिस एरिया में जितना आपको चाहिए सम वो कांस्टेंट टाइम में आप एक और ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट गो में आप क्या करते थे कि ये वाला जो सम होता था वो बेसिकली वो इस विंडो का सम होता था, और यहाँ पर जो सम था वो इस विंडो का सम था, मतलब इस जगह पे जो सम था वो इस विंडो का सम था, ठीक है। तो ये एक ऐसा सम पड़ा हुआ था जो कि दोनों में कॉमन था, तो आप ये दो सम ऐड करते थे और ये जो तीसरा डायगनल वाला ना इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि दो दो ऐड हो गया, ठीक है। तो एक उस तरह करके कर लेंगे, लेकिन इस केस में ना मुझे ये लग रहा है कि आपको ना ये जो विंडो है ना, ये क्योंकि इस साइड पे भी आपको के एलिमेंट्स आपको चाहिए हो सकते हैं, राइट, या तो आप लॉजिक के अंदर स्मार्टनेस लेकर आएंगे, या फिर आप ना इस इसकी ग्रिड का साइज जो है ना वो हर डायमेंशन में के इंक्रीज होगा,